कभी कभी आपकी असमर्थता आपके बदलाव की नींव तैयार करती है। नमस्कार, मैं स्वर्णता। आज हमारे साथ हैं राजनीतिक नवप्रवर्तक मोनू कनौजिया। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े मोनू कनौजिया का खुद की मेहनत से खड़ा किया गया व्यवसाय है, मगर मोनू जी की राजनीति में आने की सोच उनके सीधे और सरल व्यक्तित्व का उदाहरण है। दरअसल वे हमेशा किसी भी पीड़ित व असहाय को देखते तो अवश्य उसकी सहायता करते, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती थी जिसका समाधान राजनीति में आकर ही निकाला जा सकता था, और तब उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। वह समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी नगर महासचिव रह चुके हैं। पार्टी की तरफ से वर्ष 2017 में वह पार्षद प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए और पहली दफे ही जनता ने अपने मतों से उनका स्वागत किया और उन्हें अपना पार्षद चुना। बतौर पार्षद मोनू जी ने कुछ ही महीनों में अपने ऊपर जनता के जताए भरोसे को और भी मजबूत किया है और अपने क्षेत्र के लिए कई एक कार्य करवाए हैं और पूरी तन्मयता से लगे हुए भी हैं। सब यहाँ कूड़ा करकट पड़ा रहता था, ना रोड थी ना कुछ था, वैल्यू ही नहीं थी, कोई आना पसंद नहीं करता था। अब जनता जरा सबसे मोनू कनौजिया आए हैं तब से ये सफाई डेली हर मोहल्ले में किया करते हैं जहाँ तक इनका क्षेत्र है, और दौड़ा भी करते हैं कि कौन हमारा आदमी काम किया और कौन नहीं कर रहा, उस पर भी एक्शन है। अब 24 घंटा तो घर का चार बर्तन होते हैं तो कहाँ कहाँ तक देखे, इतनी बड़ी दुनिया उनके एरिया में तो कहाँ कहाँ तक देखते रहे। जो नजर में आता तब एक्शन करते हैं, नहीं आता तो देखने जाते हैं, पता चलता तब एक्शन होता है। अब कोई जनता बताए उनके पास तो ही तो बता जा कर सकते हैं, और जब बैठे भगवान तो है नहीं जान जाए कि भैया काम हो रहा है, तो देखते हैं राउंड मारते हैं, जो पकड़ा जाता है उनको टाइट किया जाता है। और सारे सफाई हो रहे हैं, सारे रोड बन रहे हैं, अच्छे रोड बन रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं कि कोई का मसाला तीन का मसाला चार है, वो सब इंक्वायरी कर रहे हैं कि मसाला सही होना चाहिए, नाली सही होना चाहिए, कोई दिक्कतें ना है। तो जनता के बीच में जाके देखते हैं जो समस्या होती है उसके हल सुनते हैं। इससे अच्छा सभासद नहीं आएगा, और ईश्वर इसके आगे भी यही आते रहे और विधायक बने, जो विधायक बनेंगे तो और अच्छा काम होगा। आज मोनू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने बारे में हमसे बातचीत भी करेंगे। मोनू जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका स्वागत है। आपसे हमारा पहला प्रश्न, अपने बारे में क्या करते हैं? शिक्षा, अनुभव, जीवन, विशेषज्ञता, परिवार, क्षेत्र। मैं पार्षद मोनू कनौजिया सादर भिंडवाड़ से। मेरे पिता श्री राम गोपाल कनौजिया। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत गरीब परिवार से था। मेरे पिताजी का जो व्यवसाय था वो कपड़े धुलने का था और कपड़े प्रेस करने का था। उन्होंने बहुत मेहनत करी, उनके साथ साथ हमारी माता जी भी बहुत मेहनत करी हम लोगों की सेवा करने में, खाने पीने में, पढ़ाने में, लिखाने में बहुत मेहनत करके आज हम लोगों को बड़ा कर दिया, इस काबिल बना दिया। उसके बाद उन्होंने तो जो किया ही, और जो सबसे अच्छा मेन रोल निभाने वाले हैं वो हमारे बड़े भैया सोनू कनौजिया जी, इनकी वजह से आज मैं पार्षद बन गया और जनता के बीच सेवा करने का मौका मिला। सेवा तो पहले भी हम लोग करते थे, कोई गरीब हैं थे तो गरीबी जानते हैं कि जिस समय हमारे मकान के आगे भी रोड और नाली नहीं थी तो मैं भी सोचता था कोई नेता आ जाए मेरे घर की रोड बनवा दे, मेरे घर की सफाई आगे घर की सफाई करवा दे। और भी समस्या थी कि जैसे हमारे में पहले पानी की भी दिक्कत थी कि हम भी चाहते थे नेता आवे, हाथ पैर उनके जोड़े तो सही समय से भी लग जाए। तो आज मैं पार्षद बना हूँ, आज मैं गरीबों की समझता हूँ कि हाँ उनको दिक्कत हो सकती है पानी की भी,
रोड की भी, नाले की भी, लाइट की भी, मतलब कितनी प्रकार की समस्या हो सकती है। पढ़ने लिखने के लिए भी देखा करते थे कि हमारे माता पिता कितनी मेहनत करके हमको शिक्षा प्राप्त कराए, हम चारों भाई को शिक्षा प्राप्त हुई। फिर रह गया पहले इतनी ज़्यादा महंगाई है, समझ लीजिए अब अकेले पिताजी कमाने वाले, कहाँ तक कि हम लोग को पढ़ाए। तो छोटे मोटे स्कूल में हम लोग को शिक्षा प्राप्त करें। फिर धीरे धीरे बड़े भैया हमारे इस काबिल हो गए, तो आज की डेट में छोटे अल्लाह जो सबसे भाई हैं संजय कन्हौज जी, उनको हमारे बड़े भैया ने वकालत करा के आज वकील बना दिया है। जो हमसे एक छोटे भाई हैं जो व्यवसाय में पहले एक डीलर्स की दुकान पर बैठ के करता था, आज वो व्यवसाय मेरे छोटे भाई देख रहे हैं। मैं पार्षद बन गया हूँ, मैं अपनी जनता की सेवा कर रहा हूँ और साधक जिनकी तो सेवा कर ही रहा हूँ। अगर कहीं आसपास के क्षेत्र की भी अगर जनता की समस्या आ जाती है तो मेरे पास फ़ोन आया तो मैं तुरंत दौड़ के वहाँ पर चला जाता हूँ, चाहे वो 12 बजे हो, चाहे वो रात में 1 बजे हो, 2 बजे, मत किसी भी वक्त अगर मुझे जनता फ़ोन कर दे तो मैं वहाँ उनके काम करने के लिए पहुँच जाता हूँ। कि अगर हमसे उनकी मदद हो सकती है तो क्यों ना करें, अगर भगवान ने मुझे इस काबिल बना दिया तो हम चाहेंगे कि हमारी जनता है, चाहे वो साधकगंज की हो, चाहे वो पूरे लखनऊ की हो, अगर मुझसे मदद हो सकती है तो मैं जरूर करूँगा। तो मुझसे आए कहे, मुझे बताए, मुझे ये परेशानी पार्षद जी देख लीजिए, तो मैं उसको करने के लिए तत्पर तैयार। मैं व्यवसाय तो मेरे बड़े भैया कर ही रहे हैं, मुझे व्यवसाय करने की जरूरत है। और पहले भी मेरा व्यवसाय था ही आपको, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी डैडी की उसकी दुकान थी, बहुत बढ़िया चलती है, जो आज मेरे छोटे भाई कर रहे हैं। और जैसे कि आपने पूछा है चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ, चुनाव क्यों लड़ना चाहते थे, चुनाव जीतना क्यों चाहते थे। चुनाव इसलिए लड़ना चाहते थे, जब मैं व्यवसाय कर रहा था अपने डैकलेस की दुकान बैठता तब कितने प्रकार की समस्या आती थी, तो मैं सोचता था कि मैं समस्याओं को कैसे दूर कर सकूँ। तब मैंने दिमाग लगाया फिर ऐसे तो नहीं दूर हो सकती, जब तक कि कोई नेता नहीं बनेंगे, फिर कोई चुनाव नहीं जीतेंगे, तब तक हम जनता की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आते थे लोग, व्यवहार था, पार्षद जी से भी व्यवहार था, विधायक जी से भी व्यवहार था, तो उनसे कहने जाते थे तो वो काम थोड़ा होता था लेकिन देर में होता। तो मैंने सोचा मैं भी नेता बनूँ, ये गरीब जनता की अगर मुझसे सहायता हो सके एक बार, मैं कोशिश करता हूँ चुनाव लड़ने की, अगर जीत जाता हूँ जीतने के बाद तो अच्छी तरीके से हम सेवा कर लेंगे जनता की, फिर पद रहेगा मेरे पास, उस पद की गरमा में बैठ के मेरी अधिकारी भी सुनेंगे। मैं जिस नगर आयुक्त के कमरे में नहीं घुस पाता था और मैं जाता था तो दरवाजे पे जो उनका कर्मचारी या अधिकारी जो भी खड़ा होता था रोक देता था कि भैया अभी रुक जाए, अभी मीटिंग चल रही है, नगर आयुक्त जी बैठे हैं, अभी नहीं मिल पाए। आज मैं दरवाजा तुरंत खोलता हूँ, मुझे कोई न रोकने वाला न टोकने वाला, जो जनता की समस्या होती है मैं उसको लेकर जाता हूँ, उसको सुनी जाती है। और आज मुझे चुनाव लड़े हुए 1 साल करीबन होने वाला है अभी, बंद और विकास भी मैं बहुत अच्छी तरीके से करा रहा हूँ। रोटे करीबन हमें लगता है कि मेरे चुनाव जीतने के साथ साथ भगवान का भी हाथ हमारे ऊपर बराबर बढ़ रहा है, चला रहा है। क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने ये नहीं सोचा था मैं साल भर में इतनी ज़्यादा रोडे बनवा लूँगा, इतनी ज़्यादा समरसेबल लगवा दूँगा, इतनी ज़्यादा सफाई की जो सुविधा है वो मैं पूरी करा पाऊँगा। लेकिन इस समय सब कुछ ठीक चल रहा है, सफाई व्यवस्था तो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और आगे जो हमारा काम है मैं उसको देख रहा हूँ। मैं यही चाहूँगा कि जनता से हमसे जितनी भी सेवा हो सके मैं करूँ, और अगर और ज़्यादा जनता मुझसे काम चाहिए तो मैं भगवान से कहूँगा मुझे विधायक बना दें, सांसद बना दें, तो मैं और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँगा, इसीलिए चुनाव में आया। क्षेत्र के लिए आपके 5 मुख्य मुद्दे, क्षेत्र में जो पहला जो मेरा मुद्दा था वो सफाई को लेकर था। हमारे क्षेत्र में सफाई की बहुत ही ज़्यादा हालत डाउन थी। अभी जो पहले पार्षद थे, मैं यहाँ से 45 साल बाद कोई पहला पार्षद इस मानस विहार से जो बना है पहली बार। नहीं तो होता क्या था, साधकगंज में जो भी अभी तक पार्षद बने वो धन्यवादीपुर के उस साइड के लोग बने, इधर का कोई ध्यान नहीं देता था। आज लोगों को यहाँ पे जब से मैं पार्षद बना हूँ लोग देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे सफाई कर्मी भी आते हैं, सफाई यहाँ होने लगी, तो जनता भी बहुत खुश है।
कि यहाँ कोई पहली बार 40-45 साल बाद कोई पार्षद बना है जो इस क्षेत्र में काम दिखाई दे रहा है। तो सफाई पहला ये हो गया और दूसरा रोडे तो इधर कोई ध्यान ही नहीं देता था। तो मैं रोडे भी यहाँ बराबर में अभी 18-20 रोडे बनी चुकी है। इस एक साल में मैं 18-20 रोडे पास करा चुका हूँ। समर सिविल हमने 16 लगवाए हैं नए समर सिविल, और दूसरा अभी और भी समर सिविल लग रहे हैं। एक साल में मैंने बहुत समर सिविल लगवाए थे। ठीक करने और समर सिविल अगर गड़बड़ होते हैं तो उनको भी ठीक कर लो। 35-40 ठीक भी करा चुके हैं। ठीक है, दूसरा हमारी वार्ड में ये झील है, काला पहाड़ के नाम से जानी जाती है। तो झील भी है, उसके बगल में शमशान घाट भी है। तो इसके लिए भी मैं मुद्दा उठा रहा हूँ बार बार कि ये झील का शुद्धिकरण होना चाहिए। जब शुद्धिकरण हो जाएगा तो यहाँ का वातावरण भी बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो इसमें जलकुंभी है, कूड़ा करकट लोग फेंकते हैं। और दूसरा जो हमारे में शमशान घाट है उसमें आधा अधूरा काम हो चुका था। पूर्व में हमारे विधायक श्री राम जी थे, उन्होंने उसका बजट पास कराया था। अब उनके जाते ही पता नहीं बजट खत्म हो गया कि काम बंद हो गया, अब कैसे का? अब इसका भी प्रस्ताव हमने आगे बढ़ाया हुआ है कि जो शमशान घाट है उसको पूरा कराया जाए काम को। क्योंकि हम जब लोग भाई लोग यहाँ पे कोई समाज का या कोई भी क्षेत्र का या आगे कहीं का भी लोग आते हैं तो उसको आज मित्र प्रमाण पत्र बनवाना होता है, तो हम लोग उससे कहते हैं कि जाके अप्लीकेशन लिखवाइए, उसके बाद मैं उनसे सबूत मांगता हूँ। तो क्यों ना अगर वहाँ पे शमशान घाट का काम पूरा हो जाए तो वहीं पे एक आदमी बैठा दिया जाए जो रसीद बना के दे दे, तो हम लोगों की समस्या भी थोड़ी कम हो जाएगी। कहाँ देखा रसीद, वो तुरंत बना दे, मित्र प्रमाण जाके नगर निगम से तुरंत बन जाएगा। तो इसके लिए भी लगे हुए हैं शमशान घाट के लिए, और ये काला पहाड़ झील है इसके शुद्धिकरण। सर आपसे हमारा अगला प्रश्न, आपके मुताबिक भारत के 5 मुख्य राष्ट्र होते हैं जिन पर आपकी समझ राय और समाज। भारत के जो मुद्दे हैं सबसे पहले मैं चाहूँगा भ्रष्टाचार का, कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उसको रोकने के लिए कोई भी आगे आने को तैयार नहीं। मुझे एक साल में तो बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार दिखाई दिया, लेकिन मैं अभी छोटा सा नेता हूँ, इसको मैं नहीं दूर कर सकता, इसको बड़े ही नेता दूर कर सकते। दूसरा ये जो गैस है, उज्ज्वल योजना चली, बहुत अच्छी चली, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज उज्ज्वल योजना जो चली थी उसमें जिस गरीब घर में सिलेंडर गया था तो वो सिलेंडर खत्म होने के बाद वो सिलेंडर किनारे हो गया और चूल्हा जल रहा है। इस पर ध्यान दे, जैसे गैस, आज गैस सिलेंडर कितना महंगा हो, गरीब आदमी नहीं भरवा सकता एक महीने में 900 रुपए का गैस, इसको कम होना चाहिए। पेट्रोल के दाम पे कमी नहीं आ रही, पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ेंगे 2 रुपए तो कम होगा 25 पैसे, 10 पैसे, 18 पैसे। उसका शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पे सब बात करते हैं लेकिन ध्यान क्यों नहीं देते। आज हमारे वार्ड में भी 4-5 स्कूल सरकारी, 2-3 तो ऐसे हैं जहाँ बच्चे बैठते हैं वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। मैं जाता हूँ देखता हूँ कि बच्चे कमरे से बाहर आके उजाला रहता है तो उसमें आके पढ़ाई, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन समस्या है, मैं अभी इतना बड़ा नहीं नेता बन गया हूँ उनकी समस्या का समाधान प्रयास कर रहा हूँ। उससे पहले मैं देखता था कि शिक्षा के लिए बहुत गरीब लोग जो नहीं पढ़ा सकते थे, कि कम फीस में पढ़ाना चाहते थे, तो मैंने भी सोचा कि एक स्कूल में अपना छोटा क्यों ना बनवा लूँ जहाँ पे कम फीस बच्चे पढ़ सके। मध्यम लोग के जो 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो हम एक अपना छोटा स्कूल खोल के कम फीस में बच्चों को जो शिक्षा प्राप्त हो सके। और देश के जो बड़े नेता हैं उनको तो पहले ये देखना चाहिए जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो दिक्कतें हैं उनको दूर कराई जाए।
अभी सीएमएच जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, इनको सरकारी करना चाहिए, इनको सरकार को पैसा देना चाहिए। ये प्राइवेट है, इसको तो तत्काल सरकारी करना चाहिए, नहीं तो आज सीएमएस चल रहा है प्राइवेट में, इसको सरकारी कर दें, शिक्षा उसमें होने लगे। सरकारी स्कूल तो है, नाम का सरकारी स्कूल है, क्या पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन टीचर पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, किसी न किसी की प्रॉब्लम आ रही जाती है, क्योंकि वो सरकार उनको पूरा नहीं करा पा रही है, तो वो कहाँ से पढ़ाई बच्चे करें, जाते हैं। मैं एक साधक जिनमें स्कूल है प्राथमिक विद्यालय, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे हमारी दो तीन बार बात हुई कि पार्षद जी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, यहाँ पे मीटर लगा था वो कनेक्शन कट गया है, बच्चे अंधेरे में पढ़ते हैं। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि अगर कोई सुने ना सुने, लेकिन मैं इस स्कूल के लिए अपनी निधि से 5 लाख रुपया दे के उस बिल्डिंग का निर्माण कराऊंगा, उन बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके। आगे चाहूंगा कि मैं भी विधायक सांसद बन जाऊं, कि मैं जो सरकारी स्कूल हैं इनको सुचारू रूप से सही करा के बढ़िया से जो शिक्षा मिलती है प्राइवेट स्कूल में, वो शिक्षा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं मिल सकती। लेकिन बड़े नेता नहीं चाहते हैं कहा, लेकिन मैं इस काबिल अभी नहीं बन पाया हूँ कि मैं बड़े बड़े सरकारी स्कूल को प्राइवेट के तरीके चलाऊँ, लेकिन मैं अगर बड़ा नेता बन गया तो मैं वादा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं अगर कभी बड़ा नेता बना तो मैं इस चीज़ पे सबसे पहले ध्यान दूंगा कि जो सरकारी स्कूल है जैसे प्राइवेट में पढ़ाई होती है वैसे सरकारी में। आपसे हमारा अंतिम प्रश्न है, इस वैश्विक प्रदर्शन में भारत को क्या करना चाहिए और किन किन विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? अब भारत को ध्यान देना चाहिए इस समय जो अपने अगल बगल देश के विदेश में मोदी जी हमारे जाते हैं, तो हम चाहेंगे उनसे अच्छे रिश्ते बनाएं, अच्छे नाते जोड़ें, देश को मजबूत करें। हमारे सैनिक भाई हैं, उनको जो शस्त्र हैं उनको प्राप्त कराए जाए। मैं देखा था कि मोदी जी ने यह भी कहा था कि एक सर के बदले 10 साल रहेंगे, यहाँ तो हमारे देश के सैनिक ही मारे जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है मोदी जी कुछ करेंगे, अभी तो नहीं नजर आ रहा है। और नजर कब आएगा, 4.5 साल तो हो गए, अब 6 महीने में क्या कर लेंगे, चुनाव तो फिर आने जा रहा है। अब ये देश की जनता बताएगी आगे मोदी जी आएंगे कि कौन आएगा। तो ये थे आज हमारे साथ मोनू कनौजिया। आपने जिस लगन से कुछ ही महीनों में अपने क्षेत्र के लिए कई सारे कार्य करवाए हैं और करवा रहे हैं, वह यूं ही बरकरार रखें, लोगों का भरोसा बनाए रखें, ऐसी हम कामना करते हैं। भविष्य के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।